सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड इन्फेक्शन के बारे में। ब्लड इन्फेक्शन के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन रियलिटी के बारे में आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो, तो एंड तक जरूर बने रहना। देखो यार, जब हमारे शरीर में संक्रमण होता है यानी कि इन्फेक्शन होता है, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है, जो कि हमारे शरीर में कई बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को भी जन्म दे सकती है। ये जो समस्या होती है ना, ये तब पैदा होती है जब हमारा ब्लड जो होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। देखो, जो ब्लड इन्फेक्शन का खतरा होता है वो उन लोगों में सबसे ज़्यादा और लगभग 99% उन्हीं लोगों में ब्लड इन्फेक्शन होता है जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। देखो यार, हमारा जो शरीर होता है वो बहुत सारे रोगाणु और विषाणुओं से घिरा हुआ होता है, और बहुत सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करते रहते हैं, और जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो उन बैक्टीरिया और विषाणुओं को मार देती है। लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत लो हो जाती है, उस कंडीशन में ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये हमारे शरीर को पूरी तरीके से घेर लेते हैं, और हमारा जो शरीर है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। और जब हमारे शरीर में ब्लड इन्फेक्शन होता है ना, तो कई सारे बदलाव देखने को मिलता है। जैसे ब्लड इन्फेक्शन की जो कंडीशन होती है उसमें बुखार, एलर्जी, पेट में दर्द होने लगता है, कुछ ऐसी समस्याएँ हमें नॉर्मली देखने को मिलती हैं। देखो, जो ब्लड इन्फेक्शन की कंडीशन में जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम लो हो चुकी होती है, उसकी वजह से हमारा जो इम्यूनिटी पावर जो होती है वो हमारे कई अंगों पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है, और कई अंगों को ये पूरी तरीके से डैमेज करती है, और उनका जो वर्क होता है, वर्क फंक्शन होता है, उसको पूरी तरीके से बंद कर देती है, जिससे हमारे कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। ब्लड इन्फेक्शन को साइंटिफिक लैंग्वेज में सेप्सिस कहा जाता है, और इसकी 3 स्टेजेज होती हैं, और जो फर्स्ट स्टेज होती है, ब्लड इन्फेक्शन के लक्षण देखना प्रकट हो जाते हैं, जैसे इसमें तेज बुखार हो सकता है, पेट दर्द या दिल की धड़कन का तेज होना, ये कंडीशंस या फिर ये लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं ब्लड इन्फेक्शन से किस तरीके से हम बच सकते हैं या फिर किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। देखो, इसका ट्रीटमेंट ना लंबा चलता है। अगर हम आयुर्वेदिक तरीके से देखें तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा चाहिए, यानी कि हमारा जो हेल्दी डाइट होगी जो कि हमें हर रोज़ फॉलो करनी है, उस हेल्दी डाइट में हमारे पास विटामिन सी भरपूर मात्रा में होना चाहिए। विटामिन सी जो खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। इसके साथ साथ हमें हरी सब्जियों का भी सेवन करना चाहिए, इससे हमें ब्लड इन्फेक्शन में काफ़ी राहत मिलती है। और जो हरी सब्जियां होती हैं ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी बूस्ट करती हैं, जिससे रोगों से ये अच्छी तरीके से हमारा शरीर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।